सुर में गाए ताल पे नाचे, सुर में गाए ताल पे नाचे, अधरों पे मुस्कान सजाए, हर तनाव को दूर भगाए, सरगम का रस सब में पिरोया है, हाँ सब में संगीत समाया है, हर्ष विषाद हास रुदन सब भावों में संगीत समाया, बहती धारा भवरों का गुनगुन, हृदय की धड़कन सांसों का कंपन, सब में है संगीत समाया। माँ की थपकी दादी की लोरी, संगीत सी लगती मिश्री की गिलोरी, जीवन अमृत समान बनाया, सब में है संगीत समाया। सुन रहे हैं ना आप भी संगीत की तानों को। जैसे जैसे ये ताने हमारे कानों में जाती हैं, एक अलग ही मीठा सा एहसास भर देती हैं हमारे दिल में। संगीत से ही इस संसार का जन्म हुआ। संसार में ऐसा कोई जीव या प्राणी नहीं जो संगीत से अछूता रहा हो। संगीतमय माहौल बनाकर जब हम चलते हैं तो जिंदगी की हर कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं, हर पल को संवार सकते हैं, अपने हर क्षण को। और अभी फिलहाल घड़ी में वक्त हुआ है 8:01 और लीजिए हो गए 59 सेकंड और 2:02। तो जनाब जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, हमारी जिंदगी का एक एक पन्ना एक एक पल हमारे साथ चल रहा है। तो जिंदगी के पन्नों को पलटते रहिए संगीत के अछूते एहसास के साथ। और आज इस एहसास के साथ आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन, और खिदमत में लेकर आई हूँ आपके लिए मधुरिमा कार्यक्रम। मधुरिमा कार्यक्रम जहाँ हम बातें करते हैं विभिन्न रागों की और सुनते हैं इन्हीं रागों पर कुछ गीतों को। तो आज जिस राग की चर्चा हम करेंगे वो है राग अहीर भैरव, और चलिए सुनेंगे इसी राग पर आधारित कुछ गीतों को। तो लीजिए पहला गीत आ रहा है आपकी तरफ राग अहीर भैरव से। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना जीती हुई बाजी तो ना हारे होते। वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते। वक्त करता जो वफा, दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है, तुमसे क्या हमको जिंदगी से भी
शर्मिंदा है। मर ही जाते ना जो यादों के सहारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। वक्त करता जो वफा। साथियों, वैसे तो राग अहीर भैरव को दिन के रागों में विशेष स्थान दिया गया है, पर आप अगर चाहें तो इसे किसी भी समय सुन सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि समय जो है ना, वो संगीत तो बिल्कुल नहीं देखता। जब मन हो, जब दिल करे, तभी आप संगीत सुन लें और अपने वातावरण को संगीतमय बना लें, अपने तनाव को दूर कर लें। लेकिन वो बात अलग है कि जब आप इसके विशेष समय पर इसे सुनेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा। इसकी सुंदरता दोस्तों ज्यादा निखर कर आएगी जब आप इसे विशेष समय पर सुनेंगे। एक गीत जिसे ले रहे हैं हम अभी फिलहाल, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का, ये सदाबहार गीत अहीर भैरव पर ही आधारित है। और ये गीत इस राग पर रचे गए और अन्य रागों को भी इस राग पर रचा गया। लेकिन जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही गीत जो अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं, यही गीत लोकप्रियता के शिखर को छू गया और अन्य गीतों को इतनी प्रसिद्धि ना मिल पाई। ये क्यों हुआ, ये सुनेंगे जब इस गीत को, तभी पता चलेगा। सभी अद्धा तीन ताल और कहरवा ताल में निबद्ध था ये गीत, और गीत के गीतकार थे शैलेंद्र, संगीत था एसडी बर्मन साहब का और स्वर था मन्ना डे साहब का। तो चलिए सुनते हैं मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत जो कि अहीर भैरव राग पर ही आधारित है। एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहिनी नींद न आई। पूछो न कैसे मन दैन बीता, जल दीपक इत मनु मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर को अंधेरा। जल दीपक इत मनु मेरा, मनु मेरा हित मनु मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का मेरा। तरुपति
सर सत उमर गवाई पूछो ना कैसे मन दर्दता ना कहीं चंदा ना कहीं तारे जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे ना कहीं चंदा ना कहीं तारे जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे भोर भी आस की किरण न लाई पूछो ना कैसे मन रंगताई पूछो ना कैसे मन रंगताई। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद करता हूं, ऐसा लगता है कि मैं जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती है। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान ले तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और मधुरिमा में हम सुन रहे हैं अहीर भैरव के राग और राग के ऊपर गीत। अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की
को कैसे मैं सुन जाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं। प्यार के वादे हो गए झूठे, प्यार के वादे हो गए झूठे, वफा के बंधन टूटे, वफा के बंधन टूटे, बन के जीवन साथी कोई चैन मेरा क्यों लूटे, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं कैसे ये छुपाए, कैसे कैसे ये छुपाए, हाथों की रेखाएं, हाथों की रेखाएं, कोई न जाने किस जीवन को ये किस जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं, अपने जीवन की उलझन को। हर किसी व्यक्ति के जीवन में उलझने तो आती ही हैं, मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन वो इंसान ही क्या जो मुश्किलों से थक कर हार कर बैठ जाए। जी हाँ, और वैसे भी जब संगीत है हमारे साथ तो क्या उलझन और क्या परेशानी। बात कर रहे हैं हम मधुरिमा में अहीर भैरव राग की और सुन रहे हैं अहीर रैगर अहीर भैरव राग पर आधारित गीतों को। अहीर भैरव भैरव थाट का एक जन्य राग माना जाता है। इसमें ऋषभ और निषाद यानी रे और नी स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं, साथ ही ये संपूर्ण जाति का राग है। बातें होंगी राग अहीर भैरव की और गीत भी सुनवाएंगे आपको, पर चलिए अब आगे बात करने के लिए थोड़ा सा समय लेते हैं और सुनवाते हैं आपको राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ये गीत सुरेश वाटकर की आवाज में, जो कि
राग अहीर भैरव पर ही आधारित है। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, ये मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी ओ गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, ओ ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती। ना तो होंठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे क्या बिचारी पाप धोते धोते। वही है धरती वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के झूठी सौगंध खाके अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के। ये वचन भुला के झूठी सौगंध खा के अपनी आत्मा गिरा के चले सर को उठा के। अब तो ये पापी पापियों के पाप धोते धोते।
संगीत के माध्यम से जहां संगीतकार गीतों को कर्णप्रिय बनाते हैं, वहीं गीतकार अपने शब्दों की रचना से एक सामाजिक संदेश भी देते से लगते हैं। जी हाँ, पर्यावरण का ये संदेश कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ प्रकृति को साफ सुथरा रखना, चाहे वो नदियों की कलकल करती धारा हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हमें उनकी सुरक्षा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्वच्छता को भी लेकर साथ में चलना पड़ेगा। अहीर भैरव राग प्राचीन राग नहीं है, पर आजकल इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। राग भैरव सुनने का अवसर भले ही कम हो, पर राग अहीर भैरव सुनने को जरूर मिल जाएगा। कुछ विद्वान इस राग में भैरव और खमाज रागों का मिश्रण तो कुछ भैरव और काफी का मिश्रण मानते हैं। सुनते हैं अहीर भैरव राग पर आधारित अगला गीत, जो हमारी आज की आखिरी पेशकश होगी कार्यक्रम मधुरिमा की, और सुनेंगे इस गीत को और बाकी बातें फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात पर। फिलहाल ये गीत आप सभी के लिए। कोशिश करके देख ले दरिया सारे नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती बुझती है हर चिंगारी। मधुरिमा से फिलहाल विदा लेती है रूपा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। मुझे यानी रूपा को विदा दीजिए। नमस्कार।